नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW फाइनेंशियल सर्विसेज पे। फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने कोई जीएसटी नंबर लिया है और वो जीएसटी नंबर जो है आपका ऑटोमेटिक जो है सुओ मोटो कैंसिलेशन कर दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब यही है कि जीएसटी काउंसिल की तरफ से आपका जीएसटी नंबर जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अगर आपको इसको रीएक्टिवेट करना है, यानी कि आपको इसको रिवोक करना है, तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में आपका पूरा लाइव प्रोसेस करके आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि जो भी जानकारी में आपको रीएक्टिवेशन के बारे में आपको देने जा रहा हूं आपके जीएसटी नंबर का, उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे जीएसटी और अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है gst.gov.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास में जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो किया जाएगा, आप देख रहे हैं। आपको उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ मेंशन करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं अपने जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने अपने जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जीएसटी नंबर का स्टेटस क्या शो कर रहा है। पहले उसको चेक करने के लिए आप व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे जीएसटी नंबर का यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है कैंसल सुओ मोटो। सुओ मोटो एक ऑर्डर है जिसके अंतर्गत जो है टैक्स काउंसिल की तरफ से आपका जीएसटी नंबर को कैंसिल कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे कि जीएसटी काउंसिल जो है वो सुओ मोटो ऑर्डर के अंतर्गत आपका जीएसटी नंबर क्यों कैंसिल की है। आप देख रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे सुओ मोटो ऑर्डर के अंतर्गत अगर किसी का भी जीएसटी नंबर कैंसिल किया जाता है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप देख रहे, जो पहला रीजन है कि कोई भी टैक्स पेयर अगर वो अपना रिटर्न कंटिन्यूसली 6 मंथ तक फाइल नहीं करता है तो उसको सुओ मोटो ऑर्डर के अंतर्गत उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस से कोई भी गुड्स या सर्विस का विदाउट इनवॉइस इशू किए अगर सप्लाई करते हैं तो उस केस में भी जो है जीएसटी काउंसिल सुओ मोटो ऑर्डर के अंतर्गत आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देगा। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर आपके जीएसटी नंबर पे कोई भी टैक्स या इंटरेस्ट या कोई भी पेनाल्टी अगर लगता है तो उसको अगर आप कंटिन्यूसली अगर 3 मंथ्स तक अगर आप पे नहीं करते हैं, यानी कि आप अपने टैक्स का पेमेंट करने के लिए फेल हो जाते हैं, तो उस पर भी जो है जीएसटी काउंसिल जो है सुओ मोटो के ऑर्डर के अंतर्गत जो है आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। यानी कि जो भी जीएसटी होल्डर है अगर वो अपने बिजनेस का कोई भी अगर सेल या कोई भी परचेस नहीं करता है बहुत दिनों तक, तो उसका जो है सुओ मोटो ऑर्डर के अंदर जो है जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ पर्सन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। यानी कि आपके बिजनेस का टर्नओवर अराउंड जो है 10 लाख या 20 लाख है, फिर भी जो है आप जीएसटी नंबर लेके रखे हुए हैं, तो उस केस में भी जो है आप कंटिन्यूसली जो है अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो उस केस में भी जो है आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाता है। देन उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आपका जो भी जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है सुओ मोटो ऑर्डर के अंतर्गत, तो उसको आप रीएक्टिव कैसे कर पाएंगे, यानी कि आप उस कैंसिलेशन को आप रिवोक कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उससे पहले मैं आपको यहां पे प्रोसीजर दिखा देता हूं। जो भी जीएसटी होल्डर का जीएसटी नंबर सुओ मोटो ऑर्डर के अंतर्गत जो है कैंसिल कर दिया गया है उसको एक जीएसटी आरईजी 21 एप्लीकेशन जो है फिल करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका एप्लीकेशन फिल होगा वो आपका विद इन 30 डेज होना चाहिए जब आपका कैंसिलेशन ऑर्डर निकला है उससे। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि आपका कैंसिल कब हुआ है वो आपको चेक करना है। अगर आपका कैंसिलेशन का अगर 30 डेज क्रॉस कर चुका है तो शायद आपका एप्लीकेशन जीएसटी काउंसिल की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है कि अभी इस पैंडेमिक के दौरान जो है आपका जो रिवोकेशन का एप्लीकेशन है अगर आपका 180 दिन भी अगर आपका क्रॉस कर चुका है फिर भी जो है आप रिवोकेशन का एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं जीएसटी आरईजी 21 में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों का जीएसटी नंबर सुओ मोटो ऑर्डर के अंतर्गत अगर कैंसिल कर दिया गया है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी जो है रिवोकेशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं जीएसटी आरईजी 21 में। जब आप जीएसटी आरईजी 21 में अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन है वो जीएसटी काउंसिल के पास में सबमिट होगा। उसके बाद 30 दिनों के अंदर जो है जीएसटी काउंसिल का जो भी ऑफिसर होगा वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड होगा तभी वो रिवोक का ऑर्डर जो है जीएसटी आरईजी 21 में इशू करेगा। और उसके बाद जीएसटी काउंसिल का जो भी ऑफिसर होगा अगर आपका एप्लीकेशन अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो आपका एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो रिजेक्शन का जो ऑर्डर होगा वो जीएसटी आरईजी 05 में इशू किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा उससे पहले आपको एक शोकॉज नोटिस जो है इशू किया जाएगा जीएसटी आरईजी 23 में जीएसटी काउंसिल की तरफ से। उसके बाद आपको 7 दिनों के अंदर उस शोकॉज नोटिस का आपको जवाब देना पड़ेगा जीएसटी आरईजी 24 में। देन उसके बाद अगर आपका रिप्लाई जीएसटी ऑफिसर को अगर सेटिस्फाइड लगेगा तभी जाके जो है वो अपना क्लेरिफिकेशन का जो ऑर्डर है वो जीएसटी आरईजी 24 में इशू करेगा।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको एप्लीकेशन करना है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको सर्विस पे जाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपके पास में इस प्रकार से यहाँ पे एक देख रहे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज़ फाइल ऑल पेंडिंग रिटर्न टिल 28/01/2021 बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का तो उससे पहले जितना भी आपका रिटर्न पेंडिंग है 28/01/2021 तक का उसको पहले जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम लोग रिटर्न को फाइल कर लेते हैं, उसके बाद जो है रिवोकेशन का हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स मेरे जीएसटी नंबर का जितना भी रिटर्न ड्यू था मैंने सारे को फाइल कर दिया, तो अब हम लोग चलिए एप्लीकेशन करेंगे रिवोकेशन का। उसके लिए सर्विस पे जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन पे, देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन है, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पास में इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल लिखा रहेगा, उसके बाद आपका जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा रहेगा, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कैंसिलेशन ऑर्डर डिटेल यहाँ पे लिखा रहेगा, देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रीजन ऑफ कैंसिलेशन लिखा रहेगा, यानी कि जीएसटी काउंसिल की तरफ से आपके जीएसटी नंबर पे सुओ मोटो ऑर्डर के तहत आपका क्यों कैंसिल कर दिया गया है उसका रीजन यहाँ पे लिख रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फेलियर टू फर्निश रिटर्न फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने जीएसटी नंबर का कंटिन्यूसली 6 महीने तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है सुओ मोटो ऑर्डर के अंतर्गत आपका जीएसटी नंबर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं वही रीजन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं पर्टिकुलर्स ऑफ लास्ट रिटर्न फाइल, यहाँ पे उसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं करा रहा क्योंकि फ्रेंड्स जस्ट मैंने अभी पूरा रिटर्न को फाइल किया है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ रीजन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, यहाँ पे आपको रीजन डालना पड़ेगा कि आप रिवोक क्यों करना चाहते हैं आपका जो भी कैंसिल हो गया जीएसटी उसको। तो आप यहाँ पे कुछ भी अपना रीजन डाल सकते हैं, जैसे कि आप डाल सकते हैं कि अब जो है आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस समय आपका बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू था तो वो आप यहां पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पे एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहां पे दिया गया है, यानी कि अगर आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपको यहां पे अटैच करना है तो आप यहां पे अटैच कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहां पे वेरिफिकेशन दिख रहा है तो आपको यहां पे टिक आउट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया है, और यहां पे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का नेम सेलेक्ट कर लेना है और यहां पे प्लेस आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहां पे देख रहे सबमिट का 2 ऑप्शन आया हुआ है, अगर आप डीएससी के थ्रू करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर यहां पे आपको ईबीसी के थ्रू करना है तो आपको सबमिट विद ईबीसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं ईबीसी के थ्रू करना चाहता हूं इसलिए मैं सबमिट विद ईबीसी पे क्लिक करूंगा। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, आपको उस ओटीपी को यहां पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उस ओटीपी को यहां फिल कर देता हूं। आप देख रहे हैं मैंने उस ओटीपी को यहां फिल कर दिया। उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपके पास में इस प्रकार से मैसेज डिस्प्ले होगा, सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। यानी फ्रेंड्स आपने जो भी एप्लीकेशन जीएसटी REG21 में सबमिट किया है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद सिस्टम जो है आपके डाटा को वेरीफाई करेगी, उसके बाद जो है आपको ARN नंबर आपको भेजेगी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे। तो फ्रेंड्स आपको 15 मिनट्स तक वेट करना है, उस 15 मिनट्स के बाद जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भेज दिया जाएगा, उसके बाद जो है आप उसको ट्रैक कर सकेंगे। ट्रैक करने के लिए आपको सर्विस पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके पास में इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपके रजिस्टर मेल आईडी या रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो भी ARN नंबर आया होगा आपको उसको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद जो है आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ARN नंबर दिया हुआ है, यहाँ आपने किस फॉर्म में आपने अपना एप्लीकेशन को सबमिट किया वो आपका यहाँ पे REG21 लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सबमिशन डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेटस में देख रहे हैं यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है। आपका स्टेटस यहाँ पे अगर अप्रूव लिखा रहेगा तो यानी कि आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल की तरफ से, तब जो है आपका जीएसटी नंबर जो है आपका रिएक्टिव हो जाएगा, तब आप अपने जीएसटी नंबर के थ्रू जो है आप अपने बिजनेस में काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप भी इसी प्रकार से रिवोकेशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आपका जीएसटी नंबर सुओ मोटो ऑर्डर के अंतर्गत अगर कैंसिल कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।